न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहां सभी दल व सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आपसी गृह क्लेश भी सामने आने लगे हैं। चंपावत विधानसभा से निवर्तमान भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने संगठन के पदाधिकारियों पर भीतरघात किए जाने का आरोप लगाते हुए अपने बयान का एक वीडियो मीडिया से प्रसारित किया है। वीडियो में विधायक गहतोड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा के बहुत से पदाधिकारियों ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता है कि बहुत से पदाधिकारियों ने भाजपा को धोखा देकर कांग्रेस के लिए खुलकर काम किया है, जिसके साथ साक्ष्य उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे पदाधिकारियों की शिकायत पार्टी फोरम के सामने पूरे साक्ष्यों के साथ उचित तरीके से रखेंगे। वहीं इस मुद्दे पर चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने भी बयान जारी कर कहा कि निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी को अगर लगता है कि उसके साथ भीतरघात हुआ है तो वे प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भीतरघात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चंपावत जिले की दोनों सीटों पर भाजपा संगठन ने पूरी ताकत और जिम्मेदारी से प्रत्याशियों का चुनाव लड़ाया है और हम दोनों सीटें भी जीते हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा बयान जारी किए जाने के कुछ ही समय भीतर ही जिला संगठन के द्वारा बनवासा निवासी सहनशाह नामक एक कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे भी दंडित कर दिया है। बाइट एक कैलाश गहतोड़ी प्रत्याशी भाजपा चंपावत, बाइट दो दीप पाठक भाजपा जिलाध्यक्ष चंपावत। रिपोर्ट दीपक यादव चंपावत से। बनवा बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनकी टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिला करके काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया। बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले और हम इस बात को अपने फोरम में जरूर रखेंगे, पार्टी फोरम में ना, कि ऐसा हुआ है और उनको एविडेंस के साथ रखेंगे, उदाहरण के साथ रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं अपने ऊपर के संगठन का, हमको टिकट दिया, आज जनता का स्नेह मिला है। और ये वास्तव में 10 तारीख को आप देखेंगे विशाल जन समर्थन के रूप में आपके सामने आएगा। आदरणीय विधायक जी ने आज कहा है कि कुछ संगठन के लोगों ने काम नहीं किया है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया होगा और विधायक जी उसे प्रमाणों के साथ बताएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रदेश नेतृत्व को जल्द से जल्द अवगत कराएंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो चुनाव लड़ाया है बहुत अच्छा लड़ाया है। कोई अपवाद स्वरूप संगठन का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि हमारे संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चंपावत जनपद में चुनाव लड़ाया और हम दोनों सीटों को ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। क्यों करो अपना मुँह काट दो जरा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।